आयुष भाई, तुम्हें एक बात बताएं। बताओ। ये जो ब्लैक बोर्ड देख रहे हो आगे, ये दरवाजा है। सही काम कर। ये कहीं भी जा सकते हो। देखा कैसे? देखो देखो। अभी हम मैस में खाना खाने आए थे तो हमें मिला है हमारा एक मित्र। ओम भाई, कैसे हो? सब अच्छा हूँ। ये हमको दिनों बाद मिले, को लगा इतना बिठाने में बिजी हो गए कि मैं से बोलना ही भूल गया। अरे नहीं भाई, ऐसे खाना खा रहे। खाना कैसा लगता है यहाँ का? खाना का तो मतलब ठीक ही लगता है। जब एज नॉन वेज होता है तभी सही लगता है। नॉन वेज भी खाता है भाई? खा रहे हैं। गाजर का हलवा तो खत्म हो गया है धीरज भाई, इसीलिए गाजर का हलवा खाओ भाई, खाओ। मददगार कभी कभी इनके साथ कैंपस घूमेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो गुड आफ्टरनून लवली पीपल, आज जिस डे पे आप वीडियो देख रहे हो वो है 13th of January। और यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है क्योंकि 13th of November को हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था और इट्स बीइंग 2 months। जो 365 डेज व्लॉगिंग हमारी चल रही है उसके 2 महीने पूरे हो चुके हैं आज, ठीक है? तो 2 out of 12 कम्प्लीटेड चेक, ठीक है? तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंटली और बहुत अच्छे क्वालिटी में वीडियोस हर रोज़ ला रहे हैं और इट्स बीइंग वेरी गुड जर्नी। बहुत मज़ा आ रहा है अभी भी मुझे, और आप सभी के लिए मैं बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो गाइस प्लीज़ कमेंट बिलो। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा अपने कैंपस में घूमने, अभी रात हो रही है, ठीक है? तो चलते हैं भाई घूमने। और अब हम देखो ऐसे तो नॉर्मल गेट से तो जाएंगे नहीं, ठीक है? और अब हम जाएंगे अपने स्टाइल में, तो भाई चलते हैं यार। तो भाई ये है गेट, एक ये है गेट, ये एनीवेयर डोर है। देखो यहाँ से हम पिछली बार गए थे तो अब यहाँ से तो जाएंगे नहीं, तो अब हम जाएंगे दूसरे गेट से जो कि है हमारा बेड। तो भाई चलो चलते हैं। भाई ये है, ठीक है? चलो हम पैर रखते हैं इस पर। ये सीढ़ियाँ किस लिए है? सीढ़ियाँ हैं बूढ़े लोगों के लिए। अच्छा, नीड फिर तो तुम्हें उड़ के जाना चाहिए। टेलीपोर्ट हो चुके हैं एमएनसी डिपार्टमेंट पे, ठीक है? तो अब सीधे चलते हैं, आपको एमएनसी डिपार्टमेंट दिखाने ले चलते हैं। चलो भाई। सो लवली पीपल, वी आर नाउ इन एमएनसी डिपार्टमेंट, ठीक है? तो चलो चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको कैसा है हमारा एमएनसी डिपार्टमेंट हमारे कॉलेज का।
लवली पीपल, आप देख सकते हो मेरे पीछे वो रहा ईसी टावर पीछे हमारा, ठीक है। और अभी हम आए हैं एमएससी डिपार्टमेंट की छत पर। और गाइस कैसा लगा आपको हमारा एमएससी डिपार्टमेंट कॉलेज का? लाइक ये कॉलेज की सबसे ज़्यादा प्रीमियम बिल्डिंग है। और अभी एक और बन रही है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो वो भी बहुत अच्छा बनने वाला है, तो जब बन जाएगा तो वहाँ भी ले चलेंगे आपको। और फिलहाल तो देखो भाई ये है पीछे का सीन, ठीक है। ये है अपना ईसीई टावर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टावर जिसे कहते हैं। तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अभी भाई देख लो रात में कुछ ऐसा व्यू आता है एमएससी डिपार्टमेंट के 6th फ्लोर से, ठीक है। लवली पीपल, दैट्स ऑल फॉर द एमएससी डिपार्टमेंट। और अभी और भी अंदर भी है, लेकिन अंदर अभी रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि रात हो रही है, अभी जा नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ के क्लासरूम भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेक्चर हॉल्स हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं, ठीक है। हिमालयन भवन, तो ये गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है भाई, देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। चलो भाई तो हम चलते हैं सीधे बाहर, ठीक है, वापस। भवन की डे कैंटीन, ठीक है, आदि भाई गोविंद भवन की डे कैंटीन में आयो। आए भैया। तो भाई अभी 14 तारीख को ना एक हम लोग का स्टैंड अप होने वाला है इम्प्रूव सेक्शन की तरफ से, तो हमारे आदि भाई इम्प्रूव सेक्शन में है, आयो भाई। और उसमें भाई स्टैंड अप करेगा, तो भाई बहुत तगड़ा व्लॉग बनाएंगे 14 तारीख को। तो कल है 14, तो हम लोग भी जाएंगे, ठीक है। अदर साइड ऑफ आईआईटी देखो भाई, अदर साइड ऑफ आईआईटी वो सीधे व्लॉग में देखना आप। लवली पीपल हमारे चुप रहो। सो लवली पीपल हमारे साथ है आदित्य भाई, ठीक है, और हमारे अभिनव भाई। तो भाई अभी जेएस फ्रेंड्स के लिए कोई टिप दे दो, बताओ। टिप तो यही है कि भाई ये अभी आने वाला होगा, हाँ आने वाला 27-28 देखो। अब टिप देके वैसे पढ़ाई की टिप देके तो कोई फायदा नहीं। तो जिसने पढ़ना है वो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं भाई, अब ठीक है। अब एग्जाम से पहले की यही बात है भाई, डरना नहीं है। और मतलब लास्ट एंड मोमेंट में क्या करने से, और अगली बार के लिए दे दो मेंस टू के लिए। टू में हाँ वही है भाई, स्मार्ट वगैरह के पढ़ो भाई। देखो इजी टॉपिक पहले खत्म करो, मेंस में तो यही होता है, इसमें आए जाएंगे। हार्ड वालों को एंड में रखो और डरो मत भाई। हाँ पेपर मॉक्स पेपर दो भाई, मॉक पेपर दो। मैं हमेशा बोलता हूँ मॉक पेपर और पी वाई की, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। नंबर आ जाएंगे क्या ही रखा है भाई। देखो आईआईटी वाईटी में कुछ नहीं रखा है, ये मैं आईटी में होके बोल रहा हूँ। फिर तो देखो तुम एक बार आईटी आ जाओगे ना तो तुम भी यही बोलोगे, तुम इंजीनियरिंग छोड़ के सब करोगे। तुम आईटी में आओगे तो उसके बाद ये बोलोगे भाई इंप्रूव कर रहा है, नहीं कर भाई इंप्रूव कर रहा है, मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। इससे बड़ा तुम आईटी मत आओ भाई, कुछ भाई भी कुछ ना कुछ कर रहा है भाई। क्या कर रहे हो भाई? रील देख रहा है। नहीं अच्छा क्या कर रहा है भाई? मैं गूगल पे रिवॉर्ड चेक कर रहा हूं। वो 3 रुपए का रिवॉर्ड मिलता ना। आई डिड बिजनेस। शट अप शट अप, दिस इज बिजनेस। वही है हम लोग का फ्यूचर, देखो सीधी बात है। इवेंचुअली तुम एक पॉइंट पे इंजीनियरिंग से थक ही जाओगे। सही बात। तो तुम पहले ही थक जाओ जेई मेंस में, पहले ही थक जाओ और जेई मेंस में हल्लू ताकि ना पाओ। बेस्ट एडवाइस। तो भाई थैंक यू भाई, याद आता है भाई, भाई ने एकदम प्रो टिप दी है हम लोगों को। बात सही है कि इंजीनियरिंग मत करो, जिंदगी चुनो इंजीनियरिंग नहीं। इम्प्रूव का हाँ याद रखना, ये इम्प्रूव का स्टैंड अप करता है। तो भाई इनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना क्योंकि ये इम्प्रूव सेक्शन में, ठीक है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। मेरे बच्चे शांत शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा, इतनी तकलीफ मत ले, मुझे तकलीफ होती।